गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो हमने हमारा जो लेसन नंबर फर्स्ट है भाषा, वो पढ़ के हमारा हो गया है। और अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, और भाषा मतलब हमारे मन के विचार और भावना प्रकट करने के लिए हम कौन से संकेत यूज करते हैं। ये ध्यान में रखिए कि आपको फर्स्ट नंबर लेसन समझ में आया है। आज हम सेकंड नंबर लेसन जो है वर्ण, आज हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण में क्या क्या है, और आगे देखेंगे इसमें क्या है। तो चलो, आबिदा, आबिडू, तुम्हारे हाथ में क्या है? मतलब आबिदा आबिडू को पूछ रही है कि तेरे हाथ में क्या है। आबिडू बोल रही है, आबिदा देखो, मुझे यह एक छोटी सी किताब मिली है, इसमें सुंदर चित्र के साथ अ आ क ख लिखे हुए हैं। आबिदा, आबिडू चलो इसे देखते हैं। जैसे कि आबिदा ने आबिडू को कहा कि तेरे हाथ में क्या है, तो आबिदा ने कहा कि मेरे हाथ में एक मुझे एक बुक मिली है, उसमें बहुत अच्छे से चित्र हैं और उसमें चित्र के साथ अ आई भी लिखी है। तो आबिदा कहती है कि चलो हम देखते हैं इस बुक में, मतलब ये किताब में क्या है। तो आबिदा और आबिदा के एक ऐसी किताब के बारे में बातें कर रहे हैं जिसमें कुछ अक्षर जैसे अ आ क ख लिखे हुए हैं। जैसे कि वो एक मूल अक्षर जो वर्णमाला है उसकी किताब शायद उनको मिली है, उसमें अ आई। जैसे कि अगर आपने छोटे बच्चों का किताब देखा तो उसमें अगर अ आई आपको पढ़नी है तो अ के साथ क्या हाथ आता है, अनार। तो अनार का पिक्चर मतलब चित्र भी वहां पे होता है। अगर आप आम देख रहे आ देख रहे हैं तो आ के साथ आम का चित्र भी वहां पे मतलब उस किताब में होता है। ये छोटे बच्चे अक्सर ये छोटे बच्चों का किताब होता है पिक्चर के साथ, क्योंकि उनको बहुत पिक्चर मतलब पिक्चर अच्छे लगते हैं और पिक्चर के साथ वो जल्दी घुल मिल के अच्छे तरीके से समझ पाए कि अ अक्षर का साउंड कैसा है और उनके साथ कौन से अक्षर आ जाते हैं। ये समझने के लिए छोटे बच्चों के किताब में अक्सर पिक्चर्स भी ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। यह आबिदा और आबिडा की बातें से अ आ स्वर के बारे में हमें पता चल रहा है कि वो स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अ आ ये क्या है, स्वर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है कि स्वर और व्यंजन, मतलब जो हम हमारा जो लेसन है सेकंड नंबर वर्ण, तो वर्ण में क्या है, फर्स्ट है अ आ मतलब स्वर, अ आ ई ई जो है वो है स्वर, और क ख ग ये क्या है जो हम आप बचपन में मतलब सीनियर के जी से पढ़ते आ रहे हैं आप, तो आपको मालूम होना चाहिए स्वर मतलब अ आ है और व्यंजन यानी क ख ने तक है। तो ये दोनों जो स्वर और व्यंजन है उसे वर्ण कहते हैं, और ये स्वर और व्यंजन अच्छे तरीके से हम मतलब ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, अगर हमने अच्छे तरीके से लिखा वैसे अ के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, हमने अच्छे तरीके से लिखा तो वो एक वर्णमाला बनती है। आगे देखेंगे हम। यह इन दोनों की बातों से व्यंजन क ख के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि स्वर यानी अ आ और व्यंजन यानी क ख का पता चलता है, यानी मतलब वो दोनों स्वर और व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं। जब मुख से निकली आवाज अ आ क ख को लिखती है तब उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे ज, मैंने जैसे कहा तो जे अस, तो ये क्या है, व्यंजन है। तो जिस मतलब हमारे मुंह में जो मुंह से जो साउंड आती है वर्ण की, मतलब अ आ कुछ भी हो, कुछ लेटर बोलने के लिए मतलब मैं कुछ भी बोल रही हूँ अभी, वो व्यंजन और स्वर को मिला के शब्द बन रहे हैं, और शब्द को लेकर जो शब्द बनते हैं उसे वर्ण कहते हैं। आपको आ रहा है समझ में? यानी कि जब मुख से निकली आवाज जो आप सुन रहे हैं अभी इस वीडियो में, वो एक आवाज है, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसे अक्षर है अ आ क ख,
ये सब अक्षर है, वो अक्षर अक्षर को मिला के एक शब्द बनता है और बहुत सारे शब्द को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। जैसे मैं अभी बहुत सारे सेंटेंस आपको इस वीडियो में कह रही हूँ, वो एक अलग अलग वर्ण है यानी स्वर और व्यंजन है, उस स्वर्ण और व्यंजन को मिला के एक शब्द बना है और वो शब्द बहुत सारे शब्दों को ज्वाइन करके मतलब इकट्ठा लेके एक वाक्य बनता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्व और र, तो ये क्या है, स्वर और व्यंजन मिलके एक वर्ड बना है और वो वर्ड किससे बना है, वर्ण से, मतलब ये स्वर और व्यंजन मिलके जो आवाज आती है हमारे मुंह से, जो लिखते हैं हम, जो पढ़ते हैं हम, मतलब वो स्वर और व्यंजन क्या है, वर्ण है। हमारे मुंह से जो आवाज आती है सुनने के लिए और बोलने के लिए, गाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो एक अक्षर होता है, वो अक्षर को हम चाहे क ख ग हो अ आई हो, तो वो जो आवाज आती है हमारे मुंह से उसे वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है और वर्ण में क्या क्या आता है। वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। तो स्वर में कौन से लेटर है, मतलब कौन से अक्षर है, और व्यंजन में कौन से अक्षर आते हैं, होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि आप सीनियर के जी से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्वर और व्यंजन की जानकारी होगी, मुझे मालूम है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको पहले से ही बोला है, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, हिंदी पढ़ना है, बोलना है, तो आपको स्वर व्यंजन, उनकी मात्राएं और लिखने के नियमों को अच्छे तरीके से समझना होगा और आपको आना होगा। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, लिखना है हिंदी, तो ये स्वर और व्यंजन क्या है, उसे कैसे, उनका उच्चार कैसे होता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्ण जब व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं, व्यवस्थित यानी अगर मुझे अ आई लिखनी है तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, अ आ ई और आगे का, है ना। अगर मुझे एबीसीडी लिखनी है तो मैं लिखूंगी ए बी सी डी, है ना। तो ये हो गया उसका व्यवस्थित क्रम, मतलब जैसी है वैसी। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया आ और यहाँ पे लिख दिया अ, तो ये व्यवस्थित नहीं है। जब हम बराबर अ और आ ये अच्छे क्रम से लिखेंगे तो ये क्या होता है, वर्णमाला बनती है। जैसे बहुत अच्छे एबीसीडी का भी हो, अगर एबीसीडी जैसी है ए बी सी डी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे व्यवस्थित क्रम से अगर हमने लगाई तो एक वर्णमाला है, जैसे कि अल्फाबेट्स है, है ना, लेटर है। तो वैसे ही स्वर और व्यंजन हम अच्छे तरीके से जो क्रम से है उस क्रम से अगर हमने लगाई तो वो पूरी एक वर्णमाला बनती है। तो जिस तरह फूलों को मिलाकर एक सुंदर सी माला बनती है, ठीक उसी तरह वर्णों को मिलाकर वर्ण की माला बनती है, मतलब वर्ण माला। जैसे कि वर्ण कौन से अ आई नेत, हमने अच्छे तरीके से उसे क्रम के अनुसार लगाए तो एक क्या बनती है, वर्णमाला। जैसे कि बहुत सारे फूल हैं, हमने एक सुई और धागे से उसे एक ही थ्रेड में, मतलब एक सुई है और उसमें वो एक थ्रेड लिया मैंने और बहुत सारे फूल मैंने उसको इकट्ठा जमा दिए, तो ये क्या बनती है, फूलों की एक सुंदर सी माला बनती है। उसी तरह ये अ आ ई, मैंने ये अच्छे तरीके से ज्ञ तक लिखा तो ये पूर्ण क्या बनती है, वर्णमाला। तो अ से ज्ञ तक हमने अगर उसे अच्छे तरीके से लिखा पढ़ा तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो आपको समझ लेना चाहिए, जब मुंह से आवाज आती है हम बोलने के लिए, जो भी वर्ड यूज करते हैं, जो भी अक्षर आता है हमारे मुंह से, उसे वर्णमाला कहते हैं। और अगर हमने वर्णमाला बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जैसी है वैसे क्रम से लिखी, उसे ए के बाद अ के बाद आ, आ के बाद बी, क ई, जो भी हो, क के बाद ख, ख के बाद ग, अगर हमने अच्छे तरीके से उसे लिखा, जब होने के बाद ये पूरी क्या बनती है, अ से ज्ञ तक, इसे कहते हैं वर्णमाला। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्णमाला किसे, मतलब वर्ण क्या है और माला क्या है। वर्ण मीन्स सिर्फ शब्द है, जैसे कि फूल है, ये बिखरे हुए फूल है, ये है वर्ण, और मैंने उसे एक थ्रेड में बांध दिया तो उसे कहते हैं वर्णमाला। तो ये होगी फूलों की माला। तो
वर्ण भी ये अ है ये क है, मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से क्रम से लगा दिया, तो ये भी हो गई वर्णमाला। ठीक है, समझ में आपको? फूल अलग है और वो फूलों को मैंने एक थ्रेड में मतलब एक धागे में बांध दिया, तो ये होगी वर्णमाला। वैसे ही अ आ ये अलग है, क ख ग घ अलग है, मैंने उसके बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, तो वो एक वर्णमाला बनती है। वर्णमाला के मुख के दो रूप है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसके दो रूप मुख्य रूप है, वो है स्वर और व्यंजन। समझ में आया? ये वर्ण है, अ से ने तक वर्ण है, और उसके दो रूप कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। जो हमारे मुंह से आवाज आती है कुछ भी बोलने के लिए, उसे वर्ण कहते हैं, और जो हमारे मुंह से आवाज आती है, जो हमें साउंड आता है, उसमें आधे स्वर है और आधे व्यंजन है, और जब हम अ से ज्ञ तक अच्छे क्रम से लगाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल के वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।